फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये केक बनता है पार्ले जी बिस्किट से, तो ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा केक है, क्योंकि अगर आपने कभी भी बेकिंग नहीं की है तो इस केक से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और सबको ज़रूर ही पसंद आएगा। ये केक कोई भी आसानी से बना सकता है और इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सब जगह इजीली अवेलेबल होते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक मिक्सिंग जार में हम पार्ले जी बिस्किट के पैकेट लेंगे, तो इसे हम पैकेट के अंदर ही तोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे खोल के मिक्सर जार में डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे 5 रुपीस वाले 6 पैकेट लिए हैं। आप चाहे तो 10 रुपये वाले पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 1 पैकेट से बनाए, 2 पैकेट से बनाए। तो एक एक करके मैं सारे बिस्किट तोड़ के इस मिक्सर जार में डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 6 पैकेट लिए, आप अपने हिसाब से ले। और यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच चीनी डालूंगी। आप चाहे तो डायरेक्ट 1/4 कप चीनी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे और इसका पाउडर फॉर्म कर लेंगे। एक बड़े से बाउल में ये सारा पाउडर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके अंदर हम चॉकलेट पाउडर डालेंगे, ये भी इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर दे तो भी केक अच्छा लगेगा, पर चॉकलेट पाउडर डालने से चॉकलेटी केक बनेगा जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और इसके साथ ही हम इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे, ये भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर तेल से आपका केक मॉइस्ट रहेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद हम इसमें 5-6 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डालेंगे, ये भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है। ये केक को ज़्यादा फ्लेवर देता है इसीलिए हम इसे यूज़ करेंगे। आप चॉकलेट पाउडर या वेनिला एसेंस दोनों में से एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके केक के बैटर में डालूंगी। तो इसे मिक्स करते रहे ताकि इसमें लम्स ना हो। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1/1/4 कप दूध लिया है, तो जिससे इसका बैटर बिल्कुल ही परफेक्ट हुआ है। अगर आप चाहे तो दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें, इस तरह का बैटर बनना चाहिए। 2 चम्मच दूध हम और डालेंगे क्योंकि बैटर अभी भी बहुत ही गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा दूध डालें और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लें। अगर आप बिस्किट के पैकेट कम यूज़ कर रहे हैं तो आप बैटर भी उसी तरह से बनाए, इस तरह का फ्लोइंग बैटर होना चाहिए, गाढ़ा और फ्लोइंग। अब हम इसमें 1 टीस्पून इनो डालेंगे। आप इसकी जगह पे एक जो छोटा पैकेट आता है वो भी डाल सकते हैं। इनो के ऊपर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे जिससे ये एक्टिवेट हो जाए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बेक करने के लिए। तो मैंने एक मोल्ड को ग्रीस करके रखा है, उसके अंदर हम इस बैटर को डालेंगे। आप जब बैटर मोल्ड में डालते हैं तो इस तरह से स्ट्रिप्स में ये गिरना चाहिए, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो इसे मोल्ड में शिफ्ट कर दें और आप ओवन को या कढ़ाई को प्री हीट करने रख दें। बैटर को अच्छी तरह से टैप कर ले ताकि इसमें से जो एयर बबल्स है वो रिलीज हो जाए। इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े डालेंगे जिससे केक दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था, तो उसके अंदर हम केक के मोल्ड को प्लेस कर देंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब हमें इसे कवर करके 35 से 40 मिनट्स तक बेक करना है। तो इस तरह से कोई भी फ्लैट सामान से अगर आप इसे कवर करोगे तो इसे फूलने की जगह नहीं मिलेगी। तो कभी भी आप कढ़ाई में बेक करें तो आप ऊपर की स्पेस देखें, इस तरह से आप कोई भी चीज़ कवर करेंगे तो केक को फूलने की जगह अच्छी मिलेगी। तो ये एक टिप का खास ध्यान रखें जिससे आपका केक अच्छा फूल। 40 से 45 मिनट्स के बाद हम केक को चेक करेंगे, आप देख सकते कितना ही बढ़िया ये फूला है। तो आप इस तरह से कवर करेंगे तो ये अच्छी तरह से फूलेगा। अब हम इसे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं सेंटर में मैंने टूथपिक इंसर्ट किया है, वो बिल्कुल ही क्लीन है। इसे ठंडा करने रखते और ये हमारा डिलीशियस पार्ले जी से बना हुआ केक तैयार है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैंने दूसरी भी बहुत सारी रेसिपीज अपलोड की है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।